वेलकम बैक नाजरीन, वासा पे बात कर रहे हैं, वासा की नाहली पे बात कर रहे हैं, वासा क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, क्या होगा, इस पे मजीद बहस करेंगे, बात करेंगे। चौधरी अख्तर रसूल साहब हमारे साथ हैं। ए मैं क्या सर जी, बाद बंदे मोटर चला के सौ जाते हैं, टैंकी भर जाती, पानी जाया होंगे, नींद च कहते मोटर बंद कर दो, मोटर बंद योजे बंद भी चाहिए, जो तो टैंकी भर जाए तो मोटर बंद कर आप अपने डायरेक्टर साहब से उनको कहे ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप उनको कह दे। डायरेक्टर साहब आप सुन रहे हैं, आप अपने माता है तमले की बात। सर एनजीए कई बार तो नाल दे टैंकी का पानी जान दिया आग कह रहे होंगे भाई थोड़ी टैंकी भर गई है। हाँ जी सर, तुम सोचो ना कि असं हर बंद का ड्यूटी ला दईए। डायरेक्टर साहब बेचारे थे की करना, सारा पानी ना लारी अड्डे कट्ठे किया होंगे, क्यों उत्थे वाशरूम इन्हें किराए का लिया, उत्थे पांच दस नहीं लेने होंगे ना। ओ यार जिन्या मर्जी गल्लां करो, तुम्हें क्या हुआ है? ओ मेनू ते बर्गर मंगा दियो। क्यों बर्गर मंगा देने आ, तेरी अखां ठीक हो सकदियां ने। ओ किवें नारे पाकिस्तान ते चढ़ के छाल मार। ओ नहीं उहनूं मरवाण, इह बंदा चंद वेख रहा वैसे उत्ते नूं मूंह करके। हां जी मुफ्ती साहब दा। अच्छा डायरेक्टर साहब, अभी जो बात कर रहे थे कि आप जैसे लोग पानी, आप रात को 12 बजे पानी क्यों बंद करते हैं? 24 आवर्स क्यों नहीं आपकी सर्विस? 4 बजे जो सुबह आपने उठ के पानी बंद करना है तो हम 12 बजे क्यों ना करते? पता नहीं इनको नींद भी आती है कि नहीं आती। वो नींद आउंदी उन्होंने चेहरे तो लगन दिया फ्रेश ने। खान साहब बड़े वड्डी दुनिया है, ये सर साडे ने पूरी नींद पूरी करने वाले ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਛਾਪਰ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਛਾਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਛਾਪਰ ਜੂਸ ਜੋ ਸਵਾ ਕੂੜਾ ਆਪਸੇ ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੂੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੂੜਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। आपको तो भाषा आना ही नहीं, पता नहीं जनाजे देख के आए बहुत हंसते हैं जब ये हमारे अपने घर में होते हैं तब हंसते हैं, जब अभी कोई भी बात हमारी बैन करे ना उस वक्त हंसते हैं, वो कहते हैं छोटा गोश्त ले आना। इनको पता है यहाँ पे कुछ लगना है तब नहीं हंसते भाई। ये बच्चों को पालना भी अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लाई है, इसका भी इनाम ऊपर जाके बहुत बड़ा मिलेगा। हाँ, वो अल्लाह ताला आपके घर में भेज रहा है कि जिंदा जान, उसकी हिफाजत आप कर रहे हो। जिंदा जानवर? हाँ जिंदा जान। अच्छा जान, अच्छा जान। हाँ जान वेला ही ना। हाँ कट टोया। ये देखिए खवातीन, मैंने कल आपको बताया था कि ये शो में मुझे भी नहीं बख्शेंगे, आप माइंड न कीजिएगा। इन्होंने बादशाहों को नहीं बख्शा, नवाबों को नहीं बख्शा, मुझ जैसे एक शरीफ नफ्स एंकर को कैसे बख्शेंगे? मैं कहना कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा तुम मैं ये दसो हमने तो कितनी देर का प्रोग्राम है, एक लक्ष्मी चौक टोया निकले उठे पूरना जाके जी बाल्टी पई है ना आगे ना देनी है। अच्छा पेंटस की नाड़ तुम कभी वेखी? आपको कहा था किसी के मुंह की बात मत करें। नहीं करो सर, देखो तो सही ना, खुदा की बनाई हुई शक्ल होती है और आप जो उसकी दाल बना दिया, पर बात कर रहे ने ये किस तरह से आप? तुम हसाओ, चलो हसाओ मुझे। बनता बंदा सर्दियों पहला डब्बा पानी का पाए। अच्छा सर अब ये फरमाइए जी, फरमाइए डायरेक्टर साहब के जो जितने मीटर हमने हमारे लगने हैं जी, आप लोगों ने लगाने हैं जी जी, वो 6.5 लाख मीटर तो है और बाकी 6 लाख मीटर आप कब लगाएंगे? इंशाल्लाह 2055 तक आवाज दे रही है। 18 55 तक आवाज ले लेंगे, ना हो बाद मैं फट के बिठाया हो। 18 तक लग जाएंगे जी सर। कितनी देर तक लग जाएंगे? डायरेक्टर साहब 24 नंबर रेडी वापस आ गई जी। मेरे भी अफसर आए नहीं है। आप इनको बोले जी के हमारी एफर्ट जारी है। हाँ जी। और इंशाल्लाह हम इसमें कोई कुताही नहीं करें। इंशाल्लाह हमारी एफर्ट जारी है और इसमें कोई भी कुताही नहीं होगी। मेरी इज्जत रख लेना, तुम्हारी मेहरबानी हो ना, मैं बादो प्लंटी कार्नल तक खिला रहा हो। अच्छा सर मेरी भी अर्ज निकी सुननी है,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ 5000 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪ ਵਾਸਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕਰ ਲੱਗੋ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਵਾਸਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਾਫ ਪੀਣੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਬ ਤੱਕ ਹਮੇ ਸਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਦਲ ਕਰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2057 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸਿਮ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜਿਹੀਆਂ ਢੱਕਣ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ PCSIR ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਨਕੇ ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ ਤੋ ਉਸਮੇ ਸਾਰੇ ਜਰਮਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਕਾ ਜਰਮ ਜੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇ ਲੇ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਸੇ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂੰ ਆਪ ਕਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸੇ ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਆਗੇ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾ ਹੱਲ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਪਾ ਯਾਰ ਤੁਮ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਮੈਨ ਹੋ ਤੁਮ ਕੀ ਮਸਲੇ ਕਾ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪ ਤਰ ਪਰੇ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋ ਤੁਮ ਮਾਰ ਕੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਜਬ ਇਹ ਗਟਰੋ ਕਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰੀ ਪਾਈਪ ਨਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹਤਾਜ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਅਰੂਬਾ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਰ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਤੋ ਉੱਪਰ ਸੇ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਕਰਨਾ ਪਾਇਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸੇ ਡਲਵਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪ 20 ਲੱਖ ਮੁਝੇ ਦੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੈਂ ਡਾਲਤਾ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਹਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਯਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 20 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਾਏ 20 ਲੱਖ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਨੋ ਕਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਫਰਾਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 2018 ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਈਪ ਨਏ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀ ਨਏ ਪਾਣੀ ਕੇ ਪਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜੰਗ ਲੂਦ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਉਸਕੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਮੇ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਕਰ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮੇ ਜੈਸੇ ਲੋਗ ਸੂਈ ਗੈਸ ਕੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਿਲੋ ਕੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਖੜੇ ਇਸਕੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਖੜੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗ ਅਲੂਦ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹਰ MLA ਕੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਮੇ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਏ ਹਮੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਫੌਰਨ ਸਿੰਧ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਆਪ ਵਾਹ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤਾਏ ਮੁਝੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮਿਲਤਾ ਪਾਣੀ ਕਾ ਦੇਖੋ ਤੋ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਗੋ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਪਖਤੂਨਖਾ ਮੇ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇ ਡਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੌਨ ਸੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਕੋਇਟਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਔਰ ਵੀ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਜ਼ਦ ਮੇ ਨਾ 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 ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਅਫੀਸਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁੱਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਨੇ ਉਹ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਟੋਇਆ ਨਿਕਾਲ ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਟੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿਆ ਅਰ ਭਾਈ ਜੀ ਟੋਇਆ ਨਿਕਾਲेंगे ਤੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੇ ਟੋਇਆ ਕੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਆ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਟੋਇਆ ਕਦ ਟੋਇਆ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਤੀ ਕਦ ਟੋਇਆ ਟੋਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪ ਕੋ ਇਸਕੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕਾ ਹੱਕ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਾ ਕਾ ਜਿਤਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸਕੇ ਅੰਡਰ ਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇ
हमारे शो में आया है, हमारे एंकर साहब बैठे हुए हैं, जो वो सवाल पूछ रहे हैं उनसे सवाल करें। पार लेना भी मैं तो जलूंगा ना, इसलिए जलूंगा कि जितनी रेड़ियां चल रही हैं यहाँ पे कूड़े वाली, वो सब इनकी हैं। हमारा साहब आप ये भी इल्जाम है जी कि जितनी ये कूड़े वाली रेड़ियां हैं इकट्ठा, सब रेड़ियां खत्म हो गई, अब गाड़ियां आती हैं। चलो वही गाड़ियां है, वो कूड़े वाले ड्रम को ऐसे वही गाड़ी, वही गाड़ियां आपने आपकी हैं जी, वो गाड़ियां आपकी हैं, हमारी हैं, सब अदारे की सर, वो नहीं आपकी प्राइवेट है, आपकी जाती है? नहीं जाती है, हम खुद ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कोई बंदा बीमार भी हो जाता है उनकी ड्यूटी भी, मैं खुद डायरेक्टर चला जाता हूं। सर वो गाड़ियां भी इसकी हैं, जो वो प्राडो नहीं होती सर की, वो भी इनकी है, वो चार चार बंदे रखे हुए हैं। नहीं वो तो लाहौर में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सर खत्म हो गया है, अभी नारंग मंडी की तरफ रह रहा है, किसी छोटे इलाके में रह रहा है, इसको नहीं पता लाहौर में बहुत तरक्की हो गई है। लाहौर को सुबह 4 बजे एक प्लांट आता है, वो आकर धोता है सड़कों को, उसके ऊपर की सफाई होती है। अब आप ये लाहौर पता नहीं कौन सा समझ रहा है, लाहौर लैवश हो चुका है। आप बूट पॉलिश करवा कर निकले, अगर आपके बूट गंदे हो तो फिर हम जिम्मेदार हैं, अगर आपके बूट साफ है इसका मतलब कि गंदगी खत्म हो रही है। सर इसलिए ये लाहौर की तारीफ कर रहा है कि लाहौर साफ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां जो है वो रोड साफ कर देती है, क्योंकि सारे ने 100 रुपया बता दिता है, पहले 200 लेते जो 300। अच्छा पर लेना भी गल कर लो, तो मक्खियां बैनियां शुरू हो गई ने बिल्कुल। जैसे आप कुछ प्रोग्राम के आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज कोई? सर देखें जी, ये हुकूमत की भी हमारी भी और शहरियों की भी जॉइंट जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एहसास करें, और ये एक ऐसा अमल है जिससे हुकूमती लोग दिन रात काम करें और कर रहे हैं, और आवाम भी जो इसको इस्तेमाल कर रही है वो भी अपने घरों में बच्चों को एजुकेशन दे। और मैं वासा डिपार्टमेंट को भी ये इस आपके इस फोरम से ये ज़रूर कहूँगा कि वो एजुकेट करें पब्लिक को कि इसको किस तरह आप सेव कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह आपकी एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आप पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व करके उसमें बेशुमार अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सलमान खान लग रहे जी, मंग खान लग रहे। चलो खैर, अच्छा ये बताइए, मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर कोई जहर आलूद पानी पीने से या किसी को तकलीफ हो जाती है आंखें, जैसे वो बेचारा मोहताज बैठा, कब से ऐसे ही बैठा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा, अगर हो जाए तो एज ए डॉक्टर, एनक ला के देखो कि तेरे सुता ना हो, एज ए डॉक्टर आप ये बताइए कि फर्स्ट एड क्या लेनी चाहिए अगर इस तरह की कंडीशन हो जानी चाहिए, हो जाए अगर पानी पीने से तकलीफ हो जाए। सर सबसे पहले तो जो लोकल एरियाज में सबसे कॉमन है वो लोगों को डायरिया हो जाता है, गंदा किसी भी को आप देख लें, जब कोई बाहर से स्पेशली मुल्क से आता है सिर्फ वो पानी की सबसे ज्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि बाकी तो खाना चले वो हीट से ही हो जाता है, लेकिन ये पानी से सबसे पहले डायरिया होता है। सो पानी अच्छा अच्छा ओके। सो इससे सबसे पहली जो है कि घर में अगर आप फिल्टर्स अच्छे लगवाएं, जो आपकी स्टोरेज प्लेस है उसको साफ रखें, घर में अगर पानी आप उसके साथ अगर बॉयल कर लें तो दैट्स द प्लस पॉइंट। और ये अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आगे ज्यादा से ज्यादा मसाइल होते हैं, लोग इतना पानी जाया करते हैं कि घरों के बाहर सड़कों पर आम खड़ा हुआ है, जिसे हर साल एक नई बीमारी डेंगू सबसे ज्यादा साफ पानी के ऊपर जो खड़ा होता है जगह जगह लोग जाया करते हैं। तो स्टडी आई है साफ के अलावा दूसरे गंदले पानी में भी होता है। बिल्कुल कुछ रिश्तेदार उन्होंने है जो गंदे पानी से भी खलोंदे खड़े नहीं जी जी। फयाज अली हमारे साथ हैं जी, फयाज छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं। को कोरीना को कोरीना को कोरीना को कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं। को कोरीना को कोरीना
कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नाकन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नाकन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में ऐसा है कौन हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, कहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं, को 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 रीना। कल खुद मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको से शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं, को को कोरीना, 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 को को कोरीना। खवातीन हज़रात, अरूबा ने भी बताया कि अगर आपको कोई इस तरह का पानी आप महसूस करते हैं कि आपकी पाइपलाइन में इस तरह का पानी आ गया है, तो उसके उसको एहतियात कीजिए और कोई दवाई अपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन मैं चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा, अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑफ ज़रूर कीजिए, अपने जो पानी इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल दीजिए, ताकि हुकूमत पर जो जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपके घरों में पुलिस और एफ आई और नैब छापे मारती है, वो ना हो सके। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। सर शो मुक गया? हाँ खत्म। तो कट होया? ओए नहीं, ओए रुको, कट होया नहीं, रुको।